Hello students, welcome to Edu Pride, Pride with Excellence, a solution for all competitive exams. This is Atul Mishra, your English faculty. आज हम लोग बात करेंगे present perfect continuous के बारे में. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था present perfect के बारे में, आज उसका अगला पार्ट है present perfect continuous. हम ये डिस्कस करेंगे कि present perfect continuous कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे लिखा जाता है, present perfect और present perfect continuous में क्या क्या अंतर है, present परफेक्ट में कब सिंस और फॉर यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब कब. सबसे पहले उसको लिखा कैसे जाएगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ हैज बीन और वर्ब प्लस आईएनजी, प्लूरल और यू के साथ हैव बीन. एग्जांपल देखते हैं, मैनी, अ मैन, हैव बीन वर्किंग हेयर since morning. अब देखिए, जब जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर बन सकती है. मैनी यहां के बाद क्या आना चाहिए, मैन. मैन क्या हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या लगना चाहिए था, हैज बीन. तो कैसे उसे यूज किया जा सकता है, अगर स्ट्रक्चर की बात होगी वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है. मैनी या मैन has been working here, I have been doing this for 2 hours. I के साथ have been और time. तो जी, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल यू और आई के साथ हैव बीन. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन. हैज और बीन के बीच में नॉट होगा, हैव और बीन के बीच में नॉट होगा, ना कि बाद में. मतलब हैज बीन नॉट गलत हो जाएगा, दोनों के बीच में होगा. और एक बात, इसके साथ कोई नॉट यूज नहीं हो सकता. एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं यूज हो सकते हैं. मतलब मैं ये नहीं लिख सकता हूं नोबडी हैज नॉट बीन टेलिंग मी अबाउट इट फॉर 10 मिनट्स. Nobody हो गया, nobody के साथ not use नहीं होगा. Negative sentence में पूछे जाने वाली errors में से 10 में से 8 बार यही एक पूछा जाता है कि एक sentence में दो negative नहीं use होते हैं. जो पहला video था simple present का, उसमें हमने पढ़ा था negative adverbs कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था वो कौन कौन से words होते हैं जो negativity बताते हैं. जिसने वहां पढ़ लिया उसके पास बार बार revision है. इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज और हैव पहले आ जाएगा. अगर हैज होगा तो सिंगुलर होगा, उसके बाद बीन, उसके बाद कॉन्टिन्यूस वर्ब. हाँ, एक चीज याद रखेंगे, इनमें से किसी के साथ नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब नहीं लगेगा, किसी के साथ नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब नहीं लगेगा. सारे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले वीडियो में जज किए थे, पढ़े थे. मतलब मैं ये नहीं लिख पाऊंगा आई हैव बीन डूइंग इट, आई हैव बीन हिटिंग हिम, फॉर अ लॉन्ग. हेट नॉन कॉन्टिन्यूस है, वो आईएनजी में यूज नहीं होगा. क्लियर है, इन सब में से किसी के साथ एनसीवी यूज नहीं हो सकता. हैव होगा तो प्लूरल, और बीन डब्ल्यू एच बिगनिंग में है तो क्वेश्चन है, बीच में है तो कंजंक्शन है. ठीक, क्लियर है. एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट नो वाई हैव यू बीन क्राइंग. अब अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं इसमें क्या लिखता, क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या लिखा, फुल स्टॉप. और अगर ये क्वेश्चन होता, डब्ल्यू एच कहां यूज होना चाहिए था, बिगनिंग में, बीच में यूज हो रहा है, कंजंक्शन है, तो पहले क्या होगा, यू
फिर हैव बीन, आई डोंट नो वाई यू हैव बीन क्राइम. याद रखिएगा डब्ल्यू एच बीच में है तो ही क्वेश्चन है, सॉरी बीच में है तो कंजंक्शन है, बिगिनिंग में है तो क्वेश्चन है. लिखा है वर्ड्स लाइक विच, व्हाट, वेयर एटसेट्रा आर यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इफ दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस दे डोंट एक्सप्रेस इंटरोगेशन, रादर दे टर्न इनटू कंजंक्शन. ये तो हमने पढ़ लिया जी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे लिखा जाएगा, उसका अफर्मेटिव कैसे लिखा जाएगा, उसका नेगेटिव कैसे लिखा जाएगा, उसका इंटरोगेटिव कैसे लिखा जाएगा. अब वो यूज कहाँ होते हैं, उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं. पास्ट में स्टार्ट हुआ, ही शी हैज बीन वर्किंग वेटिंग फॉर यू ऑल डे, पूरे दिन इंतजार कर रही है और अभी भी कर रही है. आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग में 8 बजे शुरू किया और अभी भी. एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट अक्टूबर, मतलब वो अभी तक घर नहीं पहुंचे, अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं. बट एक इंफॉर्मेशन क्या, पास से शुरू होकर काम अब तक चल रहा है, राइट. एन एक्टिव विच हैज कंटिन्यूड फॉर अ गिवन टाइम एंड इट्स रिजल्ट इज ऑन प्रेजेंट, कोई काम पास से चल रहा है बट उसका असर अभी भी है. शी हैज बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, इट्स बीन रेनिंग, बारिश हो रही है बहुत समय से हो रही है, अभी भी हो रही है. समवन हैज बीन ईटिंग माई चिप्स, कोई मेरे चिप्स खा रहा है, काफी दिनों से काम चल रहा है, कह रहे लगता है कोई यहां पर सामान उठाकर ले जा रहा है, कोई ये कर ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है. समवन इज स्टीलिंग, नहीं इज स्टीलिंग तो सामने चोरी कर रहा होगा, समवन हैज बीन स्टीलिंग दीज बिस्किट्स, तो काफी समय से काम चल रहा है. जरूरी नहीं उसमें सिंस और फॉर गिवेन है, हम हिंदी में कहते हैं ना लगता है कोई उठाकर ले जा रहा है, तो अगर हमने कॉन्टिन्यूस में लिखा तो आपके सामने ले जा रहा होगा, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा. क्लियर है बात, तो कुछ समय से काम चल रहा है उसका असर हमको अभी दिखाई दे रहा है. दो बेसिक यूसेज हो गए जी, एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, दूसरा काम काफी समय से चल रहा है उसका असर अभी भी है. सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, कौन कौन सा, क्लॉक टाइम, नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर, सिंस लास्ट डे, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, राइट. देखिए ना, सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे. फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर आवर्स, मिनट, डेज, वीक्स, मंथ्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, राइट. फॉर के साथ क्या यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम. सिंस एज प्रपोजिशन, एक चीज याद रखिएगा, सिंस एज प्रपोजिशन क्या होता है, सिंस के राइट हैंड साइड पर एज प्रपोजिशन क्या बताता है, पास्ट का टाइम, पास्ट के टाइम से लेकर अब तक. इसीलिए आपने सिंस के साथ कभी नहीं पढ़ा होगा सिंस टुडे या सिंस टुमारो. सिंस क्या कहता है, पास्ट के टाइम से लेकर अब तक, इसलिए सिंस के राइट हैंड साइड पर सिंपल पास्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कब कब होगा, जब जब नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होंगे, हम कॉन्टिन्यूस नहीं यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे. आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, गलत हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. शी हैज बीन ओनिंग अ हाउस सिंस 1990, गलत हो जाएगा, शी हैज ओन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट. We have met him twice since he returned. He has been celebrating since he got a job. As a conjunction, since क्या बताता है? Cause या reason? ये भी यहाँ discuss करना क्यों जरूरी है? बहुत सारी books में, बहुत सारी जगहों पर since की जो error है वो साथ में दे दी गई. ये नहीं बताया गया. Since as preposition time बताएगा. Since as conjunction reason बताएगा. Since there is no more business, we can all go home. क्योंकि कुछ और काम नहीं है, हम सब क्या कर सकते हैं, घर जा सकते हैं. Since he was not at home, police arrested his father. चूंकि वो घर पर नहीं था, पुलिस ने क्या किया, उसके फादर को अरेस्ट कर लिया. Since as a time, clock time के साथ, name of days के साथ, name of months के साथ, name of festivals, anniversaries, wedding anniversary, birthday, death anniversary, इनके साथ, डेट्स के साथ, डिजिट ऑफ ईयर, सिंस के साथ डिजिट ऑफ ईयर लगेगा. सिंस टाइम इम मेमोरियल, पता नहीं कब से.
सिंस लास्ट डे, लास्ट वीक एंड यस्टरडे। देखिए अब दिक्कत क्या आती है जी, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आप सिंस और फॉर नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? एक्शन का कंप्लीट होना। वी हैव डन दिस ट्वाइस सिंस मंडे, मंडे से दो बार ये काम किया है। आई हैव ईटन अ पिज्जा सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक पिज्जा खाया है। हम ये नहीं कह सकते हैं He has been eating a pizza since morning. तो इस हिसाब से देख उन्होंने लिया, विराट हैज बीन स्कोरिंग 30 सेंचुरीज सिंस 2007 और स्कोर्ड। विराट हैज स्कोर 30 सेंचुरीज। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? काम कंप्लीट है। जहां नंबर होगा, जहां एनसीवी होगा, जहां फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पर हम क्या प्रेफर करेंगे? नंबर में, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब में, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को। एक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। क्या कह रहे हैं? एक्शन के कॉन्टिन्यूएशन पर, काम के लगातार चलने पर जोर होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होती है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। अब रेनिंग लगातार होगी तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लग गया राइट हैंड साइड पर पास्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट, राइट। अब ट्वाइस आ गया, ट्वाइस क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप कहां यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या होना चाहिए था? वी है, प्लूरल है, ये पास्ट तो हो नहीं सकता। येट प्रेजेंट परफेक्ट में आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, राइट, निगेटिव सेंटेंस में। तो हैव विजिटेड, हैव बीन विजिटिंग नहीं हो सकता, अभी आपने पढ़ा। फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ नहीं यूज होती है, और येट प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों कैंसिल, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होता है। वी हैव विजिटेड देम ट्वाइस बट दे हैव नॉट विजिटेड अस येट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। आई हैव नॉट बीन मीटिंग हिम इन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रहा हूं। द चिल्ड्रन आर हंग्री फॉर आवर्स, घंटों से खेल रहे। ना नंबर है, ना एनसीवी है, ना फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द चिल्ड्रन दे हैव बीन प्लेइंग, राइट। वी हैव, अब देखिए नो क्या हो गया? नो एनसीवी है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। आपने क्या पढ़ा? नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब कहां यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब वी हैव नोन ईच अदर। डैश रिसेंटली, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ नहीं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, ये तो कैंसिल पास्ट वाली बात। तो अब यू के लिए हैज यूज करूं या हैव? तो यू के लिए क्या यूज होता है? हैव, अभी आपने पढ़ा था। लेटली भी फ्रीक्वेंसी बताता है, राइट, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैड और इम्प्रूव तो हो ही नहीं सकता। हर हेल्थ, हेल्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज। सो फार, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रीक्वेंसी है एडवर्ब की, अभी तक। ही है, ही के साथ हैव नहीं यूज होगा। सो फार निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है येट के साथ, तो पॉजिटिव वाला हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, हैज नॉट obtained, right? Now those who have been finishing, finishing नहीं use कर सकते, क्या use करना चाहिए था? Perfect, those who, और who के पहले वाला subject माना था those के लिए क्या लिखेंगे? Have. This is the fifth time, this is, that was के साथ आप present perfect use करते हैं या present perfect कौन है? You dash, You are asking this question. How long? आप इसमें कहीं नहीं लिखा। How long क्या बता रहा है? Duration, period, और duration किस में यूज हो सकती है? Present perfect continuous में। Wait ing में यूज हो सकता है। Wait ncv नहीं है। ncv जानने के लिए present continuous वाला वीडियो ध्यान से देखें, उसमें सारे ncvs given हैं। और याद रखना, कॉन्टिन्यूस में पूछे जाने वाली एरर्स में से 10 में से 8 बार एनसीवीज पूछे जाते हैं और कुछ नहीं।
वी डैश फॉर 20 ईयर्स लिव एनसीवी नहीं है तो वी हैव बीन लिविंग आर लिविंग हो नहीं सकता 20 ईयर्स लिव और हैव लिव्ड होगा नहीं ही डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग वर्क हैज बीन वर्किंग सिंस के एक तरफ पास्ट और एक तरफ प्रेजेंट याद रखना जब तक नंबर नहीं होगा एनसीवी नहीं होगा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करने से बचना चाहिए तीनों चीजें नहीं है इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे कल से बारिश हो रही है डैश फॉर 3 years आई हैव बीन यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट द वर्कर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम्स हैव बीन डिमांडिंग द वर्कर्स प्लूरल हैव बीन डिमांडिंग The girl dash her lessons. The girl has been learning. For some time वो अपना lesson learn कर रही है. Have learned तो complete हो जाएगा. The children for 6 hours तो have been playing. You look tired. Yes, I have been running. कुछ समय से काम कर रहा था. I के साथ has तो use ही नहीं हो सकता. Dash. Who has been sleeping in my bed since morning? सुबह से कौन मेरे bed में सो रहा है अब एरर्स देखते हैं राइट अगेन आपने क्या पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट और देखिए ना इसमें फॉर 3 years लगा हुआ है कि लेकिन क्या वो 3 साल से शादी कर रहे हैं नहीं 3 साल से शादीशुदा है हैव बीन मैरिड यही अंतर तो सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है काम कंप्लीट है द ट्रुथ अबाउट हर हस्बैंड्स इनफिडेलिटी Has been found. Founded तो नींव रखना होता है Found. Since our financial resources are limited. अब since यहां क्या बता रहा है Cause. ऐसे sentence में अक्सर students को problem होती है वो since को क्या समझ लेते हैं Preposition. ये since यहां पर क्या है Conjunction. Since our financial resources are limited, we cannot अफोर्ड दिस ऑल्टरनेटिव चूंकि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड है इसलिए हम इस ऑल्टरनेटिव को क्या नहीं कर सकते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये हमारी अफोर्डेबिलिटी के बाहर की बात है द ड्राइवर ऑफ साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट हैज बीन साउंडिंग 10 मिनट से क्या कर रहा है हॉर्न बजा रहा है फॉर द लास्ट 2 hours और वेट आपने पढ़ा था आई एन जी में यूज होता है एन सी वी नहीं है तो आई हैव बीन वेटिंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 hours बट यू हैव नॉट बॉदर्ड टू टर्न अपॉन टाइम वही चीज क्या है लास्ट में क्वेश्चन डब्ल्यू एच अगर बिगनिंग में है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और क्या होना चाहिए वेन Have you been? आपने क्या पढ़ा था WH beginning में है तो question है बीच में है तो क्या है Conjunction है Dr. Edison has been trying to develop a medicine many times क्या हो गया Frequency और आपने क्या पढ़ा Frequency किसके साथ use होगी Present Perfect के साथ तो Dr. Edison Has tried. Right? He has been working on the program for a long time. He is still not able. सही है. लंबे समय से वो क्या कोशिश कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बट वो अभी तक उसे सॉल्व नहीं कर पाया है Your friends have been waiting for you for over an hour. ये भी ठीक है She had been looking. Had been क्यों for the past few days she has been looking लिखते हैं where have you been right have you been playing tennis क्यों ना इसमें frequency है ना NCV है ना number है look Somebody has broken that window. किसी ने विंडो तोड़ दी है. Has been broken होगा तो रोक दोगे उसको और लगातार तो कोई विंडो नहीं तोड़ रहा होगा You look tired. Have you been working
हार्ड, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड। अब ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर, और एवर वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है। हैव यू एवर वर्कड इन अ फैक्ट्री? नो, नेवर। जेन इज ऑन अ हॉलीडे? ओ, इज शी? वेयर हैज शी गॉन? गोइंग तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लगातार थोड़ा जा रहा होगा वेकेशन पे, हॉलीडे पे। माई ब्रदर इज एन एक्टर, अपियर एनसीवी है। बार बार कह रहा हूँ, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला वीडियो ध्यान से देखें, उसमें सारे एनसीवीज मैंने मेंशन किए हैं, ए टू जी, राइट। अपियर क्या हो गया? एनसीवी हो गया, तो हमें क्या लिखना चाहिए था? ही हैज अपियर्ड इन सेवरल फिल्म्स। सॉरी आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट। आई हैव नॉट बीन वेटिंग, वेट आई एन जी में यूज हो सकता है। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इज इट स्टिल लर्निंग? नो, इट हैज स्टॉप्ड, हैज बीन स्टॉपिंग। स्टॉपिंग आई एन जी में यूज ही नहीं करते, इट हैज स्टॉप्ड, राइट। आई हैव लॉस्ट, और अक्सर बच्चा एल ओ ए सी लूज होता है, खूना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, राइट। और एल डबल ओ ए सी लूज होता है ढीला, लूजेंड, लूजेंड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ये लूज नाउन होता है, लूजेंड ढीला करना, लूजेंड, डैश। हैव यू सीन? सी बी एन सी वी है, तो हैव यू सीन इट एनीवेयर? आई हैव लॉस्ट माई एड्रेस बुक, हैव यू सीन इट एनीवेयर? डैश द बुक, राइट। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, यू लेंट मी? लेंट उधार देना होता है, बोरो उधार लेना, जो तुमने मुझे बुक दी थी वो मैं पढ़ रहा हूं। बट आई हैव येट लग गया, तो येट किस में यूज होता है? फ्रीक्वेंसी है, हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होती है, ये तो वही हो गया। आई हैव रेड, मैंने वो बुक पढ़ ली है, सो यू कैन हैव इट बैक नाउ। और इसमें क्या है, अभी तक वो फिनिश नहीं हुई है। दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ें। आई हैव बीन रीडिंग द बुक यू लेंट मी बाय, बट आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ जो तुमने मुझे दी थी, बट अभी तक पूरी नहीं हुई है। आई हैव रेड द बुक यू लेंट मी, सो यू कैन हैव इट बैक। जो किताब तुमने मुझे दी थी मैंने वो पढ़ ली है, इसलिए तुम वापस ले सकते हो। अगर पढ़ी नहीं तो वापस क्यों दूंगा, पढ़ रहा हूँ मैं। यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, द वेटर थिंग्स यू हैव फिनिश्ड and starts to take your food. You say, wait a minute, I have not finished. जी, आप रेस्टोरेंट में हैं, वेटर को लगता है कि आपने खाना खा लिया और आपके प्लेट ले जाने की कोशिश कर, आप क्या करोगे? रुको, अभी मैंने फिनिश नहीं किया है, वेट अ मिनट, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट दिस इवनिंग, you phone to reserve a table, later your friend says, shall I phone to reserve a table? No, आप क्या बोलोगे? नहीं, I have done it, I have been doing it, तो काफी समय से कर रहे हो। नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने seat को reserve कर लिया है। you know a friend of yours is looking for a job, perhaps she has been successful, ask, you say, have you found a job? Anna went to the bank, but a few minutes ago she returned. Somebody asked, is Anna still at a bank? No, she has come back. वो क्या हो गया? वापस आ गई है। He just finished. Just present perfect के साथ use होता है. He has just finished. Be very careful. कहीं ना कहीं वो हिंट जरूर होगा.
सिंस लास्ट टर्म, पिछले टर्म से क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग एट इट सिंस लास्ट टर्म. शी डैश राइट, शी हैज डिस्कस्ड हर प्रॉब्लम, कि हैज बीन डिस्कसिंग तो लगातार डिस्कस करना होगा. शी हैज डिस्कस्ड हर प्रॉब्लम विद हर टीचर एंड शी हैज डिसाइडेड टू क्विट वर्किंग पार्ट टाइम. समवन हैज बीन स्टीलिंग, our eggs for the past few days. We know this because the chicken coop has been disturbed. Group. The rescue workers, right, have been battling. हमने बैटल को क्या बना लिया नाउन, उसका सामना कर रहे हैं. कब से? लास्ट वीक से. डस्ट और रबल, धूल और जो कंकड़ पत्थर होते हैं. फिर से येट लिखा हुआ है. येट क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हाउएवर दे हैव नॉट फाउंड एनी सर्वाइवर्स येट. कहीं ना कहीं वो हिंट जरूर होगा. द टीचर डैश रनिंग वन कोर्स सिंस लास्ट मंथ लग गया तो पहले. द टीचर्स हैव बीन अटेंडिंग वन कोर्स आफ्टर अनदर. They have not found time to teach their students. Ruby just lag gaya, has just gone. Ruby has just gone to the supermarket. Her friends have been waiting for her. Her friends have been waiting for her. होल मॉर्निंग. कहीं ना कहीं एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट क्या हुआ? हैज बीन स्टोलन, इंडिविजुअल काम हुआ फ्रॉम द ऑफिस राइट. एंड पुलिस क्या करेगी फिर? हैज बीन, पुलिस के लिए प्लूरल होगा सॉरी, हैव बीन क्वेश्चनिंग. पुलिस लगातार क्या कर रही है? एम्प्लॉयज से क्वेश्चन कर रही है. डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है. हर हस्बैंड Since he came home, has been shouting and yelling. जब से वापस आया है चिल्ला रहा है सब पर. He is upset that they have started. क्यों नाराज है? क्योंकि उन्होंने उसके बगैर डिनर करना शुरू कर दिया था. मूर्ति डैश have found the answer to his problem. लगातार आंसर नहीं मिल सकता, मिल गया उसको. ही रियलाइज दैट ही हैज बीन लुकिंग एट द रॉन्ग एंड ऑफ द थिंग्स. उसने क्या रियलाइज किया? किसी गलत डायरेक्शन में वो देख रहा था, सही डायरेक्शन में नहीं. द टीचर हैज बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन होल मॉर्निंग बट द स्टूडेंट्स have not understood a word she said. कहीं ना कहीं sentence को अगर ध्यान से differentiate करेंगे, present perfect continuous क्या कहता है? Action continue है despite since or for. तो हम differentiate कैसे करेंगे जी? कहां present perfect लगेगा? तो तीन point, frequency, number and CV. अगर ये तीनों नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तीनों है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. सिंस और फॉर से बेटर जजमेंट ये लेना चाहिए. हो सकता है सिंस और फॉर दोनों में लग सकते हैं. क्या सीखा? कहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे लिखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब कब यूज होता है? सिंस और फॉर में क्या अंतर है? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, की ये कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा जाएगा और जब कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. कीप लर्निंग, कीप फाइंडिंग दोज आइडियाज. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी वीडियो थोरोली. कीप ऑन सेंडिंग योर रिस्पॉन्स, कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं.
सो दैट उसको और बेटर किया जा सके. राइट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. टिल देन एंजॉय योरसेल्फ.